नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में सत्र 2024-25 के जो आपने परीक्षा फॉर्म और नामांकन फॉर्म फिल किए हैं उनकी जो रसीद है वो बल्क में आप एक साथ कैसे डाउनलोड करोगे बिना टूटी के, बिना किसी गलती के, और उसमें आपको क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के जो भी आपने कक्षा 9वीं 10वीं के नामांकन फॉर्म, परीक्षा फॉर्म, 11वीं के नामांकन फॉर्म, 12वीं के परीक्षा फॉर्म फिल किए हैं उनकी जो रसीदें हैं वो बल्क में आपको डाउनलोड करना है। लेकिन दोस्तों, आपको कोई दिक्कत आ रही है उसमें जो आप प्रिंट नहीं कर पा रहे, एक पेज पर दो जो है फॉर्म प्रिंट नहीं हो पा रहे हैं, साथ ही दोस्तों आप जब प्रिंट करते तो आपका फॉर्म जो एक फॉर्म है वो कट कर आ रहा है, एक साथ एक पेज पर दो फॉर्मेट जो है दोस्तों प्रिंट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल से माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है, उसके बाद में एग्जामिनेशन एनरोलमेंट फॉर्म वाली लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर डुप्लीकेट रिसिप्ट बल्क का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि आप अपना जो बल्क में पेमेंट कैसे करोगे, आप एक साथ अपने स्कूल के सभी बच्चों का जो पेमेंट भुगतान एक क्लिक पर कर सकते हैं, तो वो वाले वीडियो की लिंक ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप अपना पेमेंट भुगतान भी करना आसानी से सीख जाओ। और दोस्तों, आपको इस वाले वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आप बल्क में रिसिप्ट जो है दोस्तों बिना किसी गलती के जो है दोस्तों आप कैसे प्रिंट करोगे, तो उसके लिए आपको डुप्लीकेट रिसिप्ट बल्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर ईयर ऑटोमेटिक रहेगा, क्लास जिस क्लास का आपको निकालना है उस क्लास को आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में यहां पर रेगुलर निकालना है, प्राइवेट बच्चों के निकालना है उसको आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में जो भी आपकी स्कूल का कोड है, जिस स्कूल का आप निकालना चाहते हैं बल्क में रिसिप्ट प्रिंट करना चाहते हैं, स्कूल कोड देना है। साथ ही दोस्तों, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था और जो पिन नंबर दिया था वही पिन नंबर यहां पर आपको देना है और सिंपल से सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों, जैसे आप यहां पर स्कूल कोड और स्कूल का पिन नंबर देकर जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपकी स्कूल में जितने भी छात्र हैं उनके फॉर्म यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपको स्कूल का कोड और पिन नंबर देने के बाद में सबमिट करने के बाद में 2 मिनट के लिए वेट करना है ताकि सभी बच्चों के जो डाटा है वो यहाँ पर अपडेट हो जाए। उसके बाद में दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपके स्कूल में जितने भी छात्र का आपने फॉर्म फिल किया था सबके कुछ इस तरीके से फॉर्म आपको शो हो जाएंगे। सुरक्षा के लिए हमने जानकारी हाइड कर दी, इसलिए यहां पर दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से जो भी आपके स्कूल के छात्रों की जानकारी फॉर्म है, रिसिप्ट है, वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। उसके बाद में आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। सिंपल से ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों, प्रिंट के पास में आपको अपना माउस का की जो कर्सर है वो कर्सर लाना है और सिंपल से आपको इस तरीके से इसको जो है दोस्तों आप इसको सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपके स्कूल के जितने भी छात्रों के फॉर्म जो है दोस्तों कुछ इस तरीके से आप सिलेक्ट कर ले। यहाँ पर दोस्तों आपको एक फर्स्ट से आपको जो है माउस का कर्सर ला के आपको ऊपर से नीचे तक खींचना है ताकि आपके सभी बच्चों के फॉर्मेट इस तरीके से सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद में आपको सिंपल से कंट्रोल पी प्रेस करना है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट प्रिंट नहीं देनी है। तो दोस्तों, जैसे आप कंट्रोल पी प्रेस करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पर जो भी आपका प्रिंटर है प्रिंटर को सिलेक्ट कर ले, पेपर साइज A4 को सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और सिंपल से सिलेक्ट ओनली का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको रिसिप्ट दिखेगी। यहाँ पर आपको कुछ जगह दिख रही है तो यहाँ पर जो है दोस्तों परसेंटेज का स्केल का साइज दिया गया, तो यहाँ पर आप 93 को टाइप करें। जैसे आप 90% क्लिक करोगे दोस्तों कुछ इस तरीके से आपकी स्कूल के बच्चों की जो है फॉर्मेट व्यवस्थित एक पेज पर सेट हो जाएंगे। उसके बाद में आप इनको स्क्रॉल करके नीचे जाते रहे और सभी बच्चों के फॉर्म आप चेक कर ले। सभी बच्चों के फॉर्म यहाँ पर प्रॉपर एक पेज पर दो सेट हो गए। यदि 93 में भी दिक्कत आ रही है दोस्तों, यहाँ पर एक बच्चे का आ रहा है और दूसरे बच्चे का कट रहा है, तो यहाँ पर 92, 90 जो भी है 90, 91, 92, 93, 88 जो भी, उसको आप एक एक कर टाइप कर चेक कर ले। और इस तरीके से आप अपने स्कूल के जो भी छात्र हैं उनके फॉर्मेट चेक कर ले। चेक करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से दोस्तों आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जो भी आपकी स्कूल के छात्र हैं उनके सभी के फॉर्म जो है दोस्तों एक साथ एक पेज पर दो फॉर्म जो है दोस्तों, पहले जो है दोस्तों इसमें आप डायरेक्ट प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर प्रिंट दोगे तो आपके जो बच्चों के फॉर्म में दोस्तों वो कटेंगे।
या कुछ ऊपर नीचे होगा, इसलिए आपको सिलेक्ट कर कंट्रोल प्री प्रेस करना है और उसके बाद में जैसे हमने आपको बताया उस तरीके से स्केल का जो भी जूम है वो कम ज़्यादा कर आपके एक पेज पर दो बच्चों को आप सेट कर ले। सेट करने के बाद में प्रिंट दोगे तो आपके जो फॉर्म है दोस्तों, एक पेज पर दो बच्चों के फॉर्म जो आपके सेट हो जाएंगे और आप उनकी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर बैठे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की जो बल्क में रिसिप्ट प्रिंट करना है बिना किसी गलती के, बिना किसी कट पेस्ट के, तो आप इस तरीके से घर बैठे ऑनलाइन जो है दोस्तों प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।